दोस्तों, आपने मूवी में कई बार देखा होगा कि डॉक्टर्स और नर्स ऑपरेशन के समय हरे या नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इसके पीछे की वजह। आप कभी ना कभी अस्पताल गए होंगे या मूवी में तो आपने ऑपरेशन थिएटर के सीन देखे ही होंगे। क्या आपने कभी डॉक्टर्स और नर्स की ड्रेस को ध्यान से नोटिस किया है? जब वे रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए आपके पास आते हैं या आप उनके पास जाते हैं तो वे उस समय सफ़ेद कलर की ड्रेस पहनते हैं, लेकिन जब वे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं तो उनकी ड्रेस में बदलाव आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसका विज्ञान से कुछ लेना देना है? आइए जानते हैं। शुरुआत से डॉक्टर्स नीले या हरे रंग के कपड़े नहीं पहनते थे। ये परंपरा बाद में शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले डॉक्टर्स और अस्पताल में भी सभी कर्मचारी सफ़ेद कपड़े ही पहनते थे, लेकिन साल 1914 में इसे बदलकर हरा कर दिया गया। उसके बाद से ये ड्रेस कोड ट्रेंड में आ गया। वैसे आजकल कुछ डॉक्टर्स नीले रंग के कपड़े भी पहनते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन थिएटर में कई बार डॉक्टर्स को लंबे समय तक ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे में लंबे समय तक खून के लाल रंग से सामना होता है और लाल रंग का वेवलेंथ तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादा समय तक आँखों के सामने लाल रंग रहता है तो उनकी आँखों पर काफ़ी जोर पड़ता है, जिस वजह से कई डॉक्टर सर्जरी पर फोकस नहीं कर पाते हैं। उनकी आंखों को लंबे समय तक लाल रंग का सामना ना करना पड़े, इसलिए ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर्स हरे या नीले रंग के कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।